हाय डियर जेमिनाय, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये जो अक्टूबर का महीना है, इसके जो बचे हुए दिन हैं, इसके लिए हम आपका लव रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज द एनर्जी दैट यू आर पिकिंग एंड योर पार्टनर इज पिकिंग। सो लेट्स सी, आई एक्साइटेड, सो लेट्स सी व्हाट्स इन द कार्ड्स फॉर यू गाइज, व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू गाइज। शफलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेमिनाय। द थिंग इज, अगर शफलिंग नहीं करेंगे ना हम कार्ड्स की, तो अच्छी रीडिंग्स नहीं आएंगी, आपको रेजोनेट नहीं करेंगी, देन यू विल फील ये कैसे टैरो कार्ड रीडर है, एक भी चीज मीनिंग नहीं बन रहा है कुछ भी, राइट? सो या लेट्स सी। सो दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू और दिस रिलेशनशिप एंड दिस इज द आउटकम। ओके जेमिनाय, लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हैं। ओके जेमिनाय, फाइन जेमिनाय, आपकी जो एनर्जी है उसमें आ रहा है द हैंग्ड मैन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बंदा है ये लटका हुआ है, ये नॉर्मल मतलब रुका हुआ है, ये इधर भी मूव नहीं कर रहा, उधर भी मूव नहीं कर रहा है। तो आपकी रिलेशनशिप में अभी आप एकदम स्टिल हैं, आप ना इधर जा रहे हैं, आप ना उधर जा रहे हैं, आप बस रुके हुए हैं बीच में कहीं। आपको रुका हुआ महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये क्या, मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ रही है बात, आप कन्फ्लिक्ट में हैं। और ये एनर्जी है द एम्परर की। यस, तो आप, मुझे लगता है ना, आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है जरूरत से ज्यादा रिजिड हैं, जिद्दी हैं, और आपको छोटी छोटी बातों पे परेशान करते हैं। आप उनकी इन आदतों से, मुझे लग रहा है कि परेशान हो रहे हैं अपने पार्टनर की इन आदतों से। ये आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है, जहां आप इसको ले जाना चाहते हैं, जो इसमें मूवमेंट आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, थ्रिल नहीं है, एनर्जी नहीं है, डायनेमिक नहीं है। आपके जो पार्टनर है बहुत जिद्दी टाइप के हैं, रिजिड टाइप के हैं। आपको लग रहा है कि यार कि किसी भी चीज़ में ये मेरे साथ, मेरा साथ नहीं देता है, और देयर काइंड ऑफ स्टबर्न एज वेल। लेकिन वो स्टबर्न है, ओके, वो जिद्दी है, लेकिन वो स्टेबल माइंडेड के बंदे हैं, स्टेबल माइंड के बंदे हैं, ओके। और ये जो आप करंट की एनर्जी पिक कर रहे हैं, कि आपने, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ है इस रिलेशनशिप का। आपको लग रहा है कि सारी खुशियां मैं ही देता जा रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, अगला जो मेरा पार्टनर है वो मुझे कोई रिलेशनशिप में खुशी नहीं दे रहा है। सो आप अभी ये एनर्जी पिक कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? आप स्टिल हैं, आपको फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं भी नहीं जा रहा है, ये रिलेशनशिप बस कहीं जाके रुक गया है, स्टक हो गया है, देयर इज दिस काइंड ऑफ एनर्जी। देन आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो ज्यादा डिमांडिंग है, जरूरत से ज्यादा रिजिड है, और अपनी बातों को मनवाने में लगे रहते हैं हर वक्त। और आप फिर फील कर रहे हैं कि सारी दुनिया की खुशियां मैं ही उन्हें दे रहा हूँ, सारी एनर्जी मैं ही डाल रहा हूँ, सारा बर्डन मैं ही झेल रहा हूँ, मेरा पार्टनर इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। ये आप अपने पार्टनर के बारे में, अभी इस रिलेशनशिप के बारे में फील कर रहे हैं। जो आपके पार्टनर वो आपको ऐसे देखते हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप और वो दोनों मिलके एक अच्छा फ्यूचर बनाएं, कुछ शादी, कुछ एंगेजमेंट, कुछ कमिटमेंट टाइप का आप रिलेशनशिप वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल जेमिनाय। और वो आपको देखते हैं किंग ऑफ कप्स, वो आपको बहुत ही प्यारा सा, इमोशनल सा बंदा समझते हैं। वो आपको समझते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल हैं, और उनकी लाइफ में जब से आप आए हैं, उनकी लाइफ में खुशियां हैं, उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें हैं जो वो बहुत मिस करते थे कभी। बट इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर, और जो आपके बारे में फील कर रहे हैं, वो ये फील कर रहे हैं, उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप उनको मतलब छोड़ते जा रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, इमोशनल लॉस फील हो रहा है। मुझे लग रहा है ना कि आपने उनको शायद बोल दिया हो कि गुस्से में आके या परेशानी में आके कि यार मैं अब इस रिलेशनशिप को ऐसे नहीं झेल सकता हूँ, मैं झेलता जा रहा हूँ, इस रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं बची, इस रिलेशनशिप में थ्रिल नहीं बचा है, प्यार नहीं बचा है। बट वो आपको, वो आपको स्टेबल माइंड का बंदा समझते हैं, इमोशनली स्टेबल समझते हैं। आपके उनके लाइफ में होने से ना उनको खुशी होती है, वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल देख रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को खुशी में देख रहे हैं, खुशी चाहते हैं आपसे। लेकिन वो अंदर से अभी फिलहाल वो ऐसा फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है, इमोशनली वो ना डिटैच फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, ब्रेकअप वाली आपको फीलिंग आ रही हो, लेकिन मुझे ब्रेकअप वाली कोई चीज़ नहीं नजर आ रही, इन द सेंस कि जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं ना अभी आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में, वो चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि उनकी मन की फितूर है। आप परेशान हैं, आप बर्डन फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो मेरा पार्टनर है बहुत ज़िद्दी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और एक रिजिड उनका रवैया है। लेकिन यू डू लव हर और हिम, और वो भी आपसे काफ़ी रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपसे इमोशनली काफ़ी बॉन्डिंग रखते हैं आपको। इनफैक्ट वो बहुत स्टेबल और लॉन्ग टर्म के साथ रहने वाले बंदा समझते हैं, कमिटमेंट वाला बंदा समझते हैं। स्टिल दे आर फीलिंग काइंड ऑफ ऑफ राइट नाउ, और अभी उनको लग रहा है कि यार ये
मतलब मेरा जो बंदा है या जो मेरी बंदी है मुझसे दूर जाता जा रहा है, अभी उनको ये फील हो रहा है। तो वो आप लोग आपस में एक बार चेक कर लीजिए किसको क्या फील हो रहा है, और बस देर इज अ कम्युनिकेशन। और यस, जो लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर देख पा रही हूँ, अक्टूबर के एंड तक का जो फ्यूचर है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में, जब आप ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के बीच में आप लोगों को फील हो रही हैं, आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये सब चीज़ें कट आउट होती चली जाएंगी, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। जो आप अपना यू नो आपको फील हो रहा है ना, बर्डन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर जो है काइंड ऑफ यू नो ब्लंट है और रिजिड है जो भी है, तो उस चीज़ में आपको बर्डन फील हो रहा है, उसके लिए आप उनसे बात कीजिए, अपना स्टैंड लीजिए। ये नहीं है कि एक पार्टनर सब कुछ करता रहे और दूसरा पार्टनर यू नो उस चीज़ को समझे ही ना। जो आप अपने तरफ से जो यू नो ये डाल रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, और उसके लिए आपको अपना स्टैंड रखना ही पड़ेगा, आपको एक ग्राउंड पर रहना पड़ेगा जेमिनी। अदरवाइज यू विल ऑलवेज फील लाइक दिस कि मैं देता जा रहा हूँ, आई एम द गिवर ओनली, एंड इस चीज़ का कोई रिजल्ट आपको नहीं आ रहा, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल रही है, लेकिन देयर इज अ न्यू स्टार्ट, एस ऑफ सोर्स। सो देयर इज अ न्यू स्टार्ट इन दिस रिलेशनशिप। मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई आपका ब्रेकअप हो रहा है, कोई नया आ रहा है एकदम से लाइफ पे, या कुछ ऐसा हो रहा है कि ना सडनली कुछ बैम करके अलग सा हो जा रहा है, बट येस देयर इज अ न्यू स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपस में, जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हैं, वो चीज़ तभी खत्म हो सकती है जब ओपनली आप कम्युनिकेट करेंगे। ओके, ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन का मतलब लड़ाई नहीं होता है, एक कॉमन ग्राउंड पे आना होता है। जब सबका नेचर है यू नो, आप किसी का नेचर चेंज नहीं कर सकते, कोई ज़िद्दी है तो ज़िद्दी रहेगा, लेकिन अगर आप ही हर एक रिलेशनशिप में सब कुछ दिए जा रहे हैं किसी को, और दूसरा बंदा उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया उस चीज़ को, तो आपको थोड़ा बैकआउट करके चीज़ों को एनालाइज करके उनको समझा के तब आगे बढ़ना है जेमिनी, दिस इज़ द थिंग बट आई एम सीइंग। और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अभी थोड़ा सा यू नो अप एंड डाउन वाला मुझे लग रहा है, लेकिन विद टाइम विद टिल द अक्टूबर ऑफ एंड आते आते आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद एक नया स्टार्ट मुझे दिख रहा है। ये देखिए, ये जो स्वॉर्ड्स वाला जो स्टार्ट होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी बातों को आप काट के इग्नोर करके और तब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, दिस इज़ द गुड थिंग, राइट? सो यस, दिस इज़ द लव रीडिंग फॉर यू जेमिनी। और जो आपकी एनर्जी है, जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, आई होप आप दोनों की एनर्जीज रेजोनेट कर पा रही हैं मेरी रीडिंग के साथ, और अगर ये रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड आई डू नीड योर सपोर्ट अ लॉट राइट नाउ। सो अगर आपकी ये जो सिचुएशंस हैं आप मैच कर रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं मेरी रीडिंग के साथ, तो आप एंड तक इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको यू नो एक सोल्यूशन मिले इस चीज़ का। तो लेट मी नो जो भी आपको लग रहा है मेरी रीडिंग के लिए, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू, सेंडिंग लव एंड हीलिंग्स टू यू, एंड नमस्ते, थैंक यू सो मच।